नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि एक पीजी जिसके अंदर एक लड़का साजिद जो है वो रहता था, और यहीं पर ही आप देख सकते हैं एफएसएल की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं, जो कि फिलहाल यहां पर देख सकते हैं इसी बिल्डिंग के अंदर, जिस बिल्डिंग में साजिद ने सुसाइड जो है वो कर लिया था। और आप देख रहे हैं तस्वीर में, आपको पहले इस बिल्डिंग की दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे हैं इसी बिल्डिंग के अंदर, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो कि सामने का ही एक कमरा पड़ता है, और वहीं पर आप देख सकते हैं एफएसएल की टीमें पहुंची हैं। हालांकि उसका जो शव है वो अभी भी उस कमरे के अंदर लटक रहा है, और यहां पर जब हमने उसकी तस्वीर देखी तो उसने तब जब वो लटका हुआ था तब उसने ब्लैक कलर की जैकेट और ब्लू कलर की जीन पहनी हुई थी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इसी बिल्डिंग के अंदर, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप देख रहे हैं, जो कि एफएसएल की टीमें जो हैं वो फिलहाल मौके पर जो हैं पहुंची हैं, और अभी फिलहाल उसकी जो बॉडी है उसे उतारा जाएगा ताकि पूरा निरीक्षण जो है वो किया जाएगा आसपास, क्योंकि बाकायदा उसके परिजनों से बात हुई है, क्योंकि जिस तरीके से उसका जो शव है वो फिलहाल मिला है, और फिलहाल देख सकते हैं जो परिजन है वो फिलहाल मौके पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। जीजुना गाँव का रहने वाला साजिद, जो कि सामने आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, मैं आपको दिखाने का प्रयास जो है वो फिलहाल कर रहा हूँ। तो सामने जो टीम है फिलहाल एफएसएल की, वो फिलहाल आप देख पा रहे हैं वो सामने जाती हुई अपनी तरफ से सारा जो जांच है वो अपनी करती हुई नज़र आ रही है। और अभी फ़िलहाल शव को यहां से बाहर ले जाया जाएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से जो है शव लटका हुआ था और एफएसएल की टीम का इंतज़ार किया जा रहा था। तो लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साजिद ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो बता रहे हैं कि उसने एक मैसेज भी छोड़ा था ग्रुप के अंदर अपने दोस्तों के पास कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे बचा लो। लेकिन आखिर ऐसा हो क्या गया, क्योंकि 20 वर्ष जो है साजिद की उम्र है, और 20 वर्ष की उम्र के अंदर जिस तरीके से उसने सुसाइड किया है, एक रस्सी के साथ खुद को पंखे से लटका लिया, और सामने आप देख रहे हैं जो सामने की ओर जो टीम है फिलहाल वो आप देख रहे हैं, और बकायदा देख सकते हैं जो पुलिस की टीमें हैं, बकायदा मॉडल टाउन के जो नज़दीकी जो चौकी है वहाँ से जो इंचार्ज पहुँचे हुए हैं, और एफएसएल के जो अधिकारी हैं, एफएसएल की टीम के अधिकारी हैं सब, वो मौके पर पहुँचे हुए हैं, और शव को फिलहाल देखते हुए उसे वो खुद उतारेंगे और आसपास पूरी जांच जो है वो की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फिलहाल लोग भी जो साजिद के जो परिजन हैं वो फिलहाल मौके पर हैं। जो भाई है साजिद का, उसका भी काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था, जैसा कि हमने पहले भी उनसे बात करने की कोशिश करी, और काफ़ी दुखद खबर है ये, क्योंकि जिस तरीके से ये इलाका, बता दें करनाल का मॉडल टाउन पड़ता है और काफ़ी पॉश इलाका है, जहां पर एक पीजी के अंदर ये लगभग आते हुए से सिर्फ 22 दिन हुए थे, सिर्फ 22 दिनों के अंदर ही, 22 दिन के बाद जो है जानकारी परिजनों को मिलती है कि उसका जो बॉडी है वो लटकी हुई पाई गई है। और बता दें कि दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, उसके आगे एक बेड भी अटका हुआ था, लेकिन धक्का मारने के बाद जब उसे देखा तो वहाँ पर उसका शव लटका हुआ था। और अभी फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं कि जो पुलिस है वो भी फ़िलहाल मौके पर काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और जो तस्वीर है वो मैं आपको पहले साजिद की दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा। आपको मैं तस्वीर जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको मैं ये देख लीजिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ साजिद की, ये देख लीजिए साजिद की ये तस्वीर है, उम्र देख लीजिए साजिद की, बहुत ही कम उम्र का साजिद जो कि आप देख रहे हैं, महज 20 वर्ष के अंदर जो है 20 वर्ष की उम्र में ही उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन बात क्या थी, अभी तक कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन आप देख सकते हैं एक बिल्कुल नौजवान जो लड़का है, एक किस तरीके से उसने सुसाइड जो है वो कर लिया, और ये डॉक्टर बनने के लिए आया था, और ये BEMS भी कर रहा था, BEMS कर रहा था, और अभी फ़िलहाल उसका शव है वो फ़िलहाल उसे उतारा जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि BEMS की पढ़ाई जो है वो कर रहा था, और यहाँ के नज़दीकी एक मेटलाइन अस्पताल के अंदर जो है वो ट्रेनिंग बाकायदा वो ले रहा था, और आए हुए महज 20 से 22 दिन ही उसे इस PG के अंदर जो है वो हुए थे। और अभी फ़िलहाल जो FSL की टीमें हैं वो अपनी तरफ से पूरी जांच जो है वो कर रही हैं, और यहाँ पर ये भी है कि उसने जो मैसेज ग्रुप में छोड़ा वो मैसेज उसने क्यों छोड़ा, क्या ऐसी बात होगी, क्योंकि परिजनों से क्या उसने कोई बात करने की कोशिश करी थी या नहीं, या परिजनों को पता था या नहीं, ये भी हम जानने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल उनके जो भाई हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इस तरीके से हर बात से खुश था, परिवार से बहुत खुश था,
जरा साफ सुथरा बच्चा था हमारा, हक में पता, आज तक कोई अबदारी नहीं थी हमारे बारे में, सब कुछ ठीक था। नहीं परिवार कितना है, बस ये दो भाई थे, हम दो भाई हमें डॉक्टरी वो यहाँ ट्रेनिंग पा रहा था, वो तो बस ले लो पेपर रहे था उसका, थोड़े ही दिन हुए, 20-22 दिन। हाँ 20-22 दिन हुए इन्हें, ज्यादा दिन नहीं आए थे इन्हें यहाँ से, वो पढ़ रहा था यहाँ मिर्जापुर। परिजनों से कोई बात भी करी उसने कि कहीं किसी और की? नहीं जी हमने नहीं पता, हम बात से परेशान हैं। किस पे शक है? किस पे शक है पता नहीं, वो बताओ, माँ बाप बताओ, बाप बताओ कहाँ पिता उनके, कहाँ है अंदर ही, ये पिता इधर है क्या? बाबूजी किस पे शक है आपको? हम तो आए आज। अच्छा ना मैं पता जी, जिस दिन का बच्चा है हम झूठे ही कहने लग जा, कोई शक है या कोई बात है, हमें तो आए ही आज यहाँ लग देखा आगे। अभी फिलहाल किसी पर शक नहीं है? ना जी हमारे पे नहीं आया, किसी पे नहीं शक है। तो कभी कोई परेशानी सांझी नहीं करी उसने? कभी कुछ बात हुई हो? मारी ये लो कोई परेशानी नहीं करी, कोई खुशहाल में रहा आज लग, कोई दिक्कत नहीं आई ना, कोई परेशानी हुई। यानी उसके फोन से पता लग सकता है क्या बात हुई थी अचानक? फोन से पता कब बात हुई थी आपकी इससे? मेरे दौर से परसों आया जी घर से ही। अच्छा क्या बोल रहा था वो? बरा जी खुशी मौज आई। हाँ नुभिनी कोई गलती तो बोल रहा जी भी रात में रहा वही रुका। दोस्तों आपको बता देंगे फिलहाल जो उसका, आप देख सकते हैं किस तरह से परिवार के लोग यहाँ पर जरूर मौजूद है, जिसके आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और बता दें कि उसका जो भाई है, फिलहाल जो उसका भाई है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत के अंदर आप देख रहे हैं, जो उनका बड़ा भाई है उसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो खुद जो है अभी अंदर गया था लेकिन उसकी हालत जो है वो आप देख रहे हैं, भाई बेहोश जो है वो हो चुका है और उसे भी फ़िलहाल होश में लाने का प्रयास जो है फिलहाल कर रहे हैं। और यहाँ पर फिलहाल भाई को जो है होश में लाया गया है, भाई जो है बेहोश हो गए थे और काफ़ी शौक जो है देखिए आप लगा है भाई को, काफ़ी अपने छोटे भाई को इस तरीके से कोई भी बड़ा भाई जो है वो नहीं देख सकता है। और अभी फ़िलहाल जो काफ़ी उस परिवार के लिए दुखद खबर है, परिजनों से जब बात हुई है, पिता से बात हुई है तो उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें किसी पर शक नहीं है, लेकिन उसके मोबाइल फ़ोन से ये जानकारी ज़रूर मिल सकती है कि आखिर हुआ क्या था, कि इस तरीके से जो उसने सुसाइड कर लिया, क्यों कर लिया। अगर उसका फ़ोन की जाँच पड़ताल की जाए तब जो है ज़रूर पता लग सकता है, क्योंकि बता रहे हैं उसका फ़ोन उसके पास ही है और उसी से उसने मैसेज ज़रूर दोस्तों को किया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो। अब ऐसा क्या हो गया था ये बात पुलिस जो है अपनी तरफ से पूरी तफ्तीश करके पता कर सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें फिलहाल जो साजिद का जो शव है वो अभी मैं बता दूं, ये देखिए कुछ लोग लेकर जो है वो शव को जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ लोग उस शव को जो है फिलहाल लेकर जा रहे हैं नीचे की ओर, क्योंकि शव वाहन जो है वो पहुंच चुका है और FSL की टीम ने भी अपनी पूरी जो जाँच है वो फिलहाल कर ली है इस जगह पर, चाहे कहीं पर कोई फिंगरप्रिंट की जाँच हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो या फिर कोई ऐसा सुसाइड नोट हो, क्योंकि हर तरीके से जो है FSL की टीम अपनी ओर से जाँच करती है पहुँचकर मौके पर। और अभी बकायदा जो बाहर शव वाहन जो है वो पहुंच चुका है और अभी फिलहाल इस शव को जो है फिलहाल मर्चरी हाउस में लेकर जाया जाएगा, जहां पर इसका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा। और यहां पर जो है फिलहाल देख सकते हैं कि जो शव है फिलहाल उसे रखा जाएगा इसी शव वाहन के अंदर, जो कि फ़िलहाल आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और इसी के अंदर उस शव को ले जाकर जो है फिलहाल मर्चरी हाउस में करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस के अंदर जो है रखा जाएगा। और शव को देख सकते हैं आप तस्वीरें, फ़िलहाल जो शव है फिलहाल उसे रखा जा रहा है आप देख रहे हैं। और यहाँ पर जो है जो भाई है, भाई की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है आप देख सकते हैं, उसका जो भाई है फिलहाल देखकर शव को फिर से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है भावुक होते हुए, और बकायदा जो इंचार्ज है मॉडल टाउन चौकी के उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली थी और अभी आगे किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई जो है इस मामले में की जाएगी और किस तरीके से आगे जो जाँच है वो फिलहाल की जाएगी। आज हमें सूचना मिली थी कि एक छात्र ने ऐसे पीजी JPG है यहाँ पर मॉडल टाउन में, वहाँ पर फांसी लगाकर पंखे के साथ अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। उसके परिवार वाले आए हुए हैं, अभी हम पोस्टमार्टम के बाद देखेंगे इसका जो भी उचित होगी कार्रवाई की जाए। इनका साजिद नाम है और 28 साल इनकी लगभग उम्र है, BAMS का लास्ट ईयर में पढ़ता था ये और अभी मेडलाइन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा था ये। सर कोई मैसेज की भी बात आ रही है कि मैसेज किया में से गलती हो गया ऐसा कुछ? कोई एक मैसेज किया इसने, अपना एक ग्रुप बनाया था मेडलाइन हॉस्पिटल BAMS वालों का एक ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में इसने एक मैसेज किया है भाई मेरे से गलती होगी,
मुझे बचा लो कुछ ऐसा लिखा हुआ था मैसेज में। तो जिस कमरे में रहता था कोई साथ में भी रहता था या इसके किला? कमरे में दो लड़के और साथ रहते थे लेकिन वो प्रेजेंट नहीं थे यहाँ पर उस समय। किस टाइम की बात है ये? करीब लगभग 1:30 बजे के आसपास की बात है। हमें 1:30 बजे सूचना मिलती है। कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। एफएसएल टीम मौके पे बुलाई गई थी। मोबाइल वगैरह सब कुछ इससे पता चलता है? इससे मोबाइल लिए गए हैं। मोबाइल दो हैं इसके पास। दोनों मोबाइलों को हमने अपने पास रखा है। उससे एक बार और पूरी तसल्ली कर लेंगे हम। पैसों का मामला आ रहा है कि पैसे भी लेकर आया घर से कुछ? ये तो पैसों तो ऑनलाइन कोई जरूरत होगी। इनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हुई है। इसकी अकाउंट में अकाउंट से अकाउंट की है। बड़ी अमाउंट बता रहे हैं, इतनी अमाउंट? अकाउंट से अकाउंट में अगर कोई जरूरत होगी तो उसने मंगाए होंगे पैसे। ऐसा ही कुछ है। दो दिन पहले ही आया था परिवार से, वहाँ से मिलकर अपने परिवार को। हाँ ये बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले ये मिल के आए, 2-4 दिन पहले ही मिल के आया था। 20-22 दिन ही हुए थे यहाँ पर। मेडलाइन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल टाइप भी बनाए हैं इन्होंने। उसके लिए पहले कह रहा था कि ये हमारा कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ, फिर उसके बाद अपने। कितना टाइम हो गया था उसको यहाँ आए हुए? 15-20 दिन हो गए करीब इसको, इसमें मेडलाइन हॉस्पिटल में काम करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। कहाँ का रहने वाला? ये झिंझोला गांव है, झिंझाना में पड़ता है ये। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी सर? अभी पोस्टमार्टम करके उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो यहां पर आपको बता दें कि फिलहाल जिस तरीके से साजिद का शव जो है वो मिला है, और अभी फिलहाल जो शव को एफएसएल की टीम जो है वो फिलहाल उन्होंने अपनी जांच करके वो जो है फिलहाल भेज दिया गया कल्पना चावला मर्ची हाउस में। आपको दोबारा तस्वीर दिखा रहा हूँ साजिद की, 20 साल उम्र साजिद की, और जिस तरीके से उसने एक मैसेज भी अपने मेडलाइन हॉस्पिटल का एक ग्रुप है जिसमें छोड़ा था कि दोस्तों मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। तो इसके बाद अब बहुत सारे सवाल हैं जो पीछे छूट जाते हैं कि आखिर क्यों उसने सुसाइड किया, क्या वो किसी बात से परेशान था या कोई उसे कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा था। ऐसे नेक सवाल हैं, लेकिन आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें। एक 20 साल का बेटा जो अपने उसका भाई भी था, उसका काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत थी। वो बार बार जो है अपने भाई को जो है दोबारा से उसने देखा तो फिर से उसकी बुरी हालत हो गई। तो ऐसे में समझ सकते हैं उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनका सपना था कि उनका बेटा डॉक्टर बनके एक दिन उनके जो है घर पर आएगा, और उन्होंने पहले से उसके लिए एक अस्पताल भी बड़ा बना रखा था जहां पर वो बाकायदा प्रैक्टिस करके जो है लोगों की मदद करता। आपसे अपील करेंगे इस वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़े B24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।